हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 50 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में डाटा सेवर मोड कैसे, तो आप देखते हैं कैसे अपने फ़ोन में डाटा सेवर मोड को आप इनेबल कैसे कर सकते हो, डाटा सेवर तो सेवर मोड को कैसे इनेबल कैसे कर सकते हो, डाटा सेवर मोड को कैसे इनेबल कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर डाटा सेवर मोड को इनेबल कैसे कर सकते हैं, तो आप देखते हैं। तो इस तरीके से तो आप देखते हैं कि आप डाटा सेवर को मोड इनेबल कैसे कर सकते हैं, डाटा सेवर मोड को इनेबल कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि ऑन करते डाटा सेवर मोड को इनेबल इस तरीके से कर सकते हैं, और अनलिस्टेड ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, किसी भी ऐप्स को इनेबल करके। तो इस तरीके से डाटा सेवर मोड को आप इनेबल कर पाएंगे और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं मोटो एज 50 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और डाटा सेव भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। और डाटा सेव भी कर सकते हैं फ़ोन में, मोबाइल डाटा भी आप सेव कर सकते हैं मोटो एज 50 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और डाटा सेव भी कर सकते हैं फ़ोन में। तो इस तरीके से डाटा सेवर मोड का आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन में, आप इसका यूज़ भी कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।